मंच, तो चलिए डालते हैं नजर आज की पांच बड़ी खबरों पर। पांच के पांच पर पहली खबर है, नेशनल मेडिकल डे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और अपने संबोधन में शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने चिकित्सकों को शुभकामनाएं और कोरोना महामारी से जूझने में सहयोग प्रदान करने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही गत रविवार को अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टरों के योगदान की सराहना की थी। उसका वीडियो आज ट्वीट कर उन्होंने चिकित्सक समुदाय का अभिवादन किया और कहा कि हमारे ग्रह को स्वस्थ बनाने में उनका योगदान सराहनीय है। पांच के पांच में दूसरी खबर है, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर असंतुष्ट नेताओं के G23 की तरफ से पार्टी हाईकमान को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने वंशवाद के खिलाफ जंग में अब किसी पद पर लंबे समय तक जमे रहने को लेकर नैतिक आधार पर विरोध करने की शुरुआत कर दी है। माना जा रहा है कि इससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की मांग का दबाव बढ़ेगा। G23 पिछले कुछ वर्षों से मांग कर रहा था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गैर गांधी को अवसर दिया जाए। पांच के पांच में तीसरी खबर है, कोरोना महामारी से जूझ रहे लोगों की जेब पर अब इस महीने से काफी भार बढ़ने वाला है। आज से अमूल दूध के दाम बढ़ गए हैं, LPG सिलेंडर भी महंगा हो गया है, तो वहीं बैंक की सर्विस चार्ज भी आज से बढ़ जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही है, तो ऐसे में आम लोगों पर महंगाई की चौतरफा मार पड़ी। कोरोना महामारी के चलते पहले ही अर्थव्यवस्था की गति मंद है और वैसे में महंगाई ने आम जनता के कंधों का भार बढ़ा दिया है। पांच के पांच में चौथी खबर है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने गुरुवार को कहा कि अगर लोग सावधान रहे और भारत में बड़ी संख्या में आबादी का टीकाकरण करने में सक्षम रहता है तो हो सकता है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर न आए। गुलेरिया ने कोरोना की तीसरी लहर के बारे में बात करते हुए समाचार एजेंसी ANI को बताया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा बर्ताव कैसा रहता है। अगर हम सावधान रहे और वैक्सीनेशन कवरेज अच्छी रही तो हो सकता है कि तीसरी लहर ना आए, और यदि आए तो भी कमजोर हो। पांच के पांच में आखिरी खबर है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को जल्द एक और वैक्सीन मिल सकती है। देश में बहुत जल्द 12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो सकता है। जायडस कैडिला ने 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए DNA वैक्सीन बनाई है। कंपनी ने तीसरे फेज का ट्रायल पूरा कर लिया है और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति भी मांगी है। तो पांच के पांच में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।